नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है, लेकिन उससे पहले इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों पर अपना दांव चला रही है। बीजेपी ने पहली बार निकाय चुनाव में 350 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिस पार्टी के लिए यह माना जाता है कि वह चुनाव में मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाती, उसने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर बाकी दलों के सियासी गणित को बिगाड़ने की तैयारी कर ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति इस बार बदली हुई होगी और इसके संकेत इस निकाय चुनाव में मिल रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने मुस्लिम समाज को इतनी बड़ी संख्या में टिकट दिया है। पहले चरण के लिए तकरीबन 250 मुसलमान उम्मीदवार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे, तो वही दूसरे चरण में भी लगभग 100 मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी ने अलग अलग पदों पर उतार दिए हैं। इनमें नगर निगम में पार्षद के उम्मीदवार, नगर पालिका, नगर पंचायत में अध्यक्ष के उम्मीदवार और उसके अलावा वहां के सभासद के उम्मीदवार भी शामिल है। इसमें 5 नगर पालिका अध्यक्ष, 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन का टिकट मुस्लिमान को मिला है।